हमारे यहाँ समस्त प्रकार के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं एवं हमारे यहाँ इंडक्शन कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिकल ओवन एवं आधुनिक बर्तन उपलब्ध हैं। हमारा पता है मोदी कॉम्प्लेक्स, खाकी बाबा रोड, रहली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मयंक जैन बलेवाले। आज सागर जिले के राहतगढ़ में शासकीय एक्सीलेंस स्कूल के अतिथि शिक्षकों ने वेतन की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर के नाम यह ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 2019-20 के मार्च और अप्रैल सत्र एवं 2020-21 के दिसंबर से लेकर अभी तक की वेतन की राशि नहीं दी गई है। इस तरह कुल मिलाकर 4 माह का वेतन इन अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया है। साथ ही में बताया गया है कि कोरोना काल के समय भी अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते कई गेस्ट टीचर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शिक्षकों ने वेतन लेने के लिए कई जगह हाथ पैर मारे, यहां तक कि 181 पर भी शिकायत करने के बाद भी उनको वेतन प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही अतिथि शिक्षकों ने बताया कि टोटल 4 माह का वेतन अभी तक सरकार पर हमारा उधार है। सुनील ठाकुर, खबर एक्सप्रेस न्यूज, राहतगढ़। का वेतन नहीं आया है, पिछले सत्र का भी 2 मंथ का नहीं आया है और इस सत्र का दिसंबर से हम लोग ज्वाइन हैं तो दिसंबर और जनवरी निकल चुकी है लेकिन वेतन नहीं आया है। फरवरी आने को है, मतलब आ ही चुकी है फरवरी। तो कौन ज्ञापन किसको सौंपा है? तहसीलदार महोदय को सौंपा है, कलेक्टर महोदय के नाम से। यदि हम लोग का वेतन नहीं आया तो हम लोग हड़ताल करेंगे।